नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजनीति किसी व्यक्ति से क्या क्या नहीं करवा जाती है। अब देखिए ना, बिहार में जब उपचुनाव की लहर चल रही थी, उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, माहौल में उपचुनाव का जो है गुलाल उड़ रहा था, उस समय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी खुद में बदलाव करते हुए दिखे थे और ऐसे में बहुत तरह की बातें चर्चाएं वहां से शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि यूं तो कहा जाता है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लिए कि जमीन पर संघर्ष करना उनके वश की बात नहीं, और इसी बात को लेकर के मखौल उड़ाते रहते हैं सत्ता पक्ष के नेता, बीजेपी के नेता, जदयू के नेता तेजस्वी यादव का। लेकिन उपचुनाव के दौरान हमने तेजस्वी यादव में बड़ा बदलाव देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की भांति सुलभ बनना चाहते हैं लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। जैसे लालू प्रसाद यादव जी कहीं रुक करके खेत में उतर जाते थे, लहलहाते हुए फसल के बीच जा करके फसल का जो आपको जायजा लेने लगते थे, ठीक इसी प्रकार उपचुनाव के दौरान तेजस्वी यादव जी मछली मारते हुए दिखे थे। दरअसल वहां कुछ बच्चे चल रहे थे, मछली मार रहे थे, और आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी यादव का काफिला चल रहा था, तो वहां रोक करके, काफिला को रोक करके तेजस्वी यादव मछली मारने लगे थे बच्चों के साथ, और तेजस्वी यादव जी के बंसी में मछली फंस भी गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि एक और जहां तेजस्वी यादव के बंसी में मछली फंस गई थी, वहीं नीतीश कुमार जी अब मछली पकड़ने के लिए खाक छान रहे हैं। कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में शराबबंदी पर समीक्षा बैठक हुई है, 7 घंटे तक समीक्षा बैठक चली, जिसके बाद परिणाम जो आया उसके बारे में विपक्ष ने कहा यह विशुद्ध नौटंकी थी, 7 घंटे तक खींचने की क्या जरूरत थी जब स्क्रिप्ट पहले से तैयार था, और जब आपको इस बात की दिलचस्पी नहीं थी शराबबंदी को लेकर के, इतनी भी नहीं कि नीतीश कुमार जी ने अपने अधिकारियों को मीडिया ब्रीफ करने के लिए भेज दिया, खुद सामने नहीं आए। इसके बाद आपको बता दें कि आरजेडी के जो कदावर नेता हैं, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, वे अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी ने समीक्षा बैठक करने के बाद ये बात बता दी कि उन्हें जो है बड़ी मछली पकड़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार शायद समीक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं जानते हैं, समीक्षा कैसे होता है ये नहीं जानते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे जो छोटी मछली है दफेदार, जमेदार और जो है चौकीदार, उस पर आरोप तय किए गए हैं, उसे फंसाने की साजिश चल रही है, लेकिन सार्क को यूं ही खुला छोड़ दिया जा रहा है कि नदी आपका है, आप उसमें खुलेआम विचरण कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो जिन प्रभारी मंत्रियों को समीक्षा बैठक का प्रभाव मिला है, तो उनके लिए भी जो है नियम कानून बनना चाहिए, उनके लिए भी चीजें तय होनी चाहिए, जैसे कि थाना प्रभारी और जो चौकीदार हैं उन पर अगर तय हुआ है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जो है पद से हटाया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, तो ऐसे ही प्रभारी मंत्रियों के लिए भी तय होना चाहिए, तब जाकर के कुछ बात बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी यहां सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ना चाहते हैं, शार्क पकड़ने में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। जिला भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसका जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।